नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मुझसे और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का जो वीडियो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। अभी मुश्किल से 10 से 12 दिन पहले ही सभी बच्चों ने अपने एग्ज़ाम ख़त्म किए हैं, 10th वाले बच्चों ने भी और 12th वाले बच्चों ने भी, और लगभग सभी बच्चों की कापियाँ भी लगभग चेक हो चुकी है। तो जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है बच्चों का जो टेंशन होती है वो ये बढ़ जाती है कि अब रिजल्ट कैसा आएगा। लेकिन उससे भी पहले की जो टेंशन है वो ये है कि रिजल्ट कब आएगा। तो हम उसी बात पे, उसी न्यूज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा। तो इस साल जो है सेकंड वीक के एंड में या थर्ड वीक के फर्स्ट में रिजल्ट आने की संभावना है। संभावना का मतलब ये श्योर है कि आपका सेकंड वीक का जो लास्ट सेकंड वीक है उसमें, यानी कि करीबन 17 से 21 जो में रहेगी उसके बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप इस न्यूज़ की पुष्टि करना चाहते हैं, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ कि नहीं, तो इसके लिए आपको 4 तारीख का इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिशन है उसमें आप ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी। हो सकेगा तो मैं इसमें लिंक भी डाल दूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो News18 India है, News18.com है, उसके ऊपर 7 तारीख यानी आज की डेट में ही छपा है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। आप अपना रिजल्ट CBSE की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप ये अपना रिजल्ट देख सकते हो। और जैसे कि आपको पता ही है CBSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो cbse.nic.in है, इसके ऊपर भी देख सकते हैं। दूसरी वेबसाइट है वो है examresult.net, इसके ऊपर भी आप अपने एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देख सकते हो। हम हमारे जो अगला नेक्स्ट वीडियो है जो इसी के जस्ट बाद आने वाला है, उस वीडियो में हम जानेंगे कि जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है और जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कह सकते हैं, उसको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कह सकते हैं, वो क्या है, कब होना है, और सप्लीमेंट्री, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, तो देखना ना भूलें। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।